इसी चक्र से एक छोटा सा कट पीस लेकर चल रहा हूं, क्योंकि एक गीत और गीत के साथ में खंड गीत होना आवश्यक है। बिल्कुल साधारण सा प्रयोग है। समन्या नीलम जी सुनिएगा, गीत कह रहा है। एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया, मेहदी बाबू सुनिएगा, गीत कह रहा है। अरे सब जगह जाऊंगी पर बंगाल चली जाऊंगी, नेपाल चली जाऊंगी, अरे सब जगह जाऊंगी पर वहां नहीं जाऊंगी। कहां? जहां मैं रहता हूं। अरे जाऊं ना बिहार यूपी गोली चल जाएगी, जाऊं ना बिहार यूपी गोली चल जाएगी, जाऊं ना बिहार यूपी गोली चल जाएगी। मंथरा ने कई कई के कान भर दिए। आदरणीय विक्रम भैया और जो भी समित के भैया दद्दा लोग, सुनिएगा कटपीस को। कान भर दिए मंथरा ने, कहा कैसे संभव हो पाएगा। इधर कह कई खुश तो बहुत है कि मेरा भरत राजा बनेगा। हाँ। और जब इस खुशी को देखा तो मंथरा ने कहा, ऐसे तुम्हारा भरत राजा नहीं बनेगा। भरत कब राजा बनेगा सुनो सुनो, जब हर हाल चला जाए, हर हाल चला जाएगा, फिलहाल चला जाएगा, हर हाल चला जाएगा, फिलहाल चला जाएगा, हो निहाल चला जाएगा, खुशहाल चला जाएगा। अरे बनवासी राघव बन, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, तो बनवासी राघव बन कि बनवासी राघव बन बे हाल चला जाएगा, और तंग हाल होकर फते हाल चला जाएगा। और कब होगा? हाँ, ये तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा, तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा, तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा। अगर भरत रहे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ, होकर फते हाल चला जाएगा, ये तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा, तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा, तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा। तो बनवासी राघव बन बे हाल चला जाएगा, बनवासी राघव बन बे हाल चला जाएगा, तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा, तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा, तेरा नौ निहाल ननी हाल चला जाएगा। Oh, my God.
बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए पुनः स्वागत कर रहा हूँ सम्मान्य नीलम विश्वकर्मा जी और उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का। उससे पहले पुरस्कार आने वाले हैं, हम धन्यवाद देने वाले हैं। बस शाबाश बेटा। हालो जग हालो 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 सुना भी आप लोगों ने? सुना बेटे। बड़े भैया, भैया श्री शंभू हलचल जी को बिल्कुल बहुत सुंदर सवाल, बहुत ही बढ़िया खंड गीत और मेरे गीत का जवाब। आपने कहा है कि नीलम ऐसा मैंने क्या कह दिया कि आपको उम्र का लिहाज कहना पड़ा। समूह भैया, आपने कहा कि हम आपको बिटिया कहते हैं, छोटी बहन कहते हैं, ऐसा हमने क्या कह दिया? ऐसा हमने क्या कह दिया जिससे आपको उम्र का लिहाज कहना पड़ा? लेकिन बड़े भैया, मैं कह रही थी कि आपने ऐसा गीत डाला है, आपने कहा हम आपको गुड़िया कहते हैं, छोटी बहन कहते हैं, अब आपने ही स्वीकार किया जब हम छोटे हैं, छोटी बहन हैं, और आपने इतना लंबा गीत डाल दिया, एक दो तीन 16 कला तक पहुंचा दिया। अब प्रयास किया बड़े भैया, आप कह रहे हैं वहां से अधिक भी जा सकता था, 16 से 17 18 19 20 भी हो सकता था, लेकिन आपने 8 तक ही पहुंचाया है, 8 तक ही पहुंचाया है। हालांकि संख्या मिल सकती थी बड़े भैया, लेकिन संख्या के साथ कुछ कथानक मिलना चाहिए और ऐसा मिलना चाहिए जिसमें जीवन की सार्थकता हो। संख्या बहुत है लेकिन संख्या से कुछ नहीं होता। आपने कहा है हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे ना बेटे, कुछ ना आपके लेखक महोदय से कहेंगे। लेखक हमारे मंडल में कमजोर है, बस उन्हीं को कहो। आप लेखक महोदय से कहें, हमसे कहें, आप बड़े हैं, आपका अधिकार है, लेकिन जहां तक जवाब होता है वहां तक मैंने प्रयास किया है। आपने कहा कि आप स्वीकार जितना मिलता है चलिए हम कर लेते हैं, लेकिन इससे आगे भी जा सकता था आपका गीत। अब ये आपका मानना है बड़े भैया, लेकिन जो मैंने गीत दिया है उसमें क्रिया चल रही थी। बिल्कुल, लोक में नशा मिल नाही दिखता, लोक में न आया कहे गलती इस लोक में, लोक लोक और सारी बातें पेट में अम्मा की, लेकिन केवल बप्पा भर लाने से जवाब नहीं होता है। लेकिन आइए स्वीकार करेंगे क्योंकि आप सम्मानीय बड़े भैया हैं, जो कुछ भी है स्वीकार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत अच्छा एक खंड गीत आया है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कि बंगाल चली जाऊंगी, आराम से बेटे आराम से, क्या ढोलक बजा रहे हो बेटे,
जाओ बस्ता भैया। सब जगह जाऊंगी पर वहां नहीं जाऊंगी, जाऊं ना यू जाऊं ना बिहार यूपी गोली चल जाएगी। ये शंभू भैया ने गाया है कि हमारे यहाँ नहीं आएंगे लेकिन हमारा घर है, चाहे गोली चल चाहे बंदूक चले चाहे बम ही क्यों ना चला जाए फट दाग दिया जाए लेकिन जाना है क्योंकि वहाँ हमारा घर है। तो कहना सब जगह जाऊंगी पर वहाँ नहीं जाऊंगी, सब जगह जाऊंगी पर वहाँ नहीं जाऊंगी, जाऊं ना बिहार यूपी गोली चल जाएगी, आप लोगों ने खंडगीत मंथरा कह रही है कैसे कि ये जब तक संभव नहीं है भरत को राज गद्दी कब तक संभव नहीं है। भैया आपका खंडगीत है कि हर हाल चला जाएगा कैसे कि हर हाल चला जाएगा तो फिलहाल चला जाएगा और होनिहाल चला जाएगा तो फटहाल चला कि बनवासी बन राघव बन चल जाएगा, तेरा नौ निहाल जो तेरा पुत्र है तेरा नौ निहाल जब ननी हाल चला जाएगा, तेरा नौ निहाल जब ननी हाल चला जाएगा। और देखिए यहाँ बड़े भैया केकई और मंत्रा में बात हो रही है, देखिए वहाँ भरत हैं, वहाँ भरत हैं और बात चल रही है कि तेरा नौ निहाल जब ननिहाल चला जाएगा तब भरत राज गद्दी पर बैठेंगे। बड़े भैया आप बड़े हैं लेकिन आपने क्या सोचकर यह खंडगीत लिखा है, क्योंकि मेरा जहां तक अनुभव है भरत जा चुके थे एक रात्रि में वो सारा काम हुआ है, यहां तक राज तलक की सारी तैयारी हो चुकी है, रात भर में वो मंत्रा ने कान भर दिए माता केकई के और प्रातः ही माता ने वो वरदान मांग लिए और आप कह रहे हैं तेरा नौ निहाल जब ननिहाल चला जाएगा, ये बरसों की युक्ति नहीं है ये एक रात की युक्ति है। लेकिन आइए अब देखिए जब दो वरदान माता केकई ने मांग लिए तो राजा दशरथ कहने लगे अरे रानी मैं आप पर अपने आप से विश्वास करता था लेकिन तेरे इस दो वरदान के कारण होता क्या, सुने क्या बने कि विश्वास चला जाएगा ये
इतना विश्वास नहीं करेगा जितना मैंने किया है और ना ही मैं करूंगा। कि विश्वास चला जाएगा, उपवास चला जाएगा, कुछ उपवास चला जाएगा, ये प्रवास चला चला।